टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बुक्स में सिर्फ ये फॉर्मूला गिवन है, चाहे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में भी ये यूज होता है, चाहे कॉम्पिटिशन है, कैसे बनी मोबिलिटी ये दिया नहीं हुआ। तो ये प्रूफ तो आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मुझे अच्छा ही लगता बताना कि मोबिलिटी इज वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी आपको तो होती है, ये तो बता दो। तो फिर मैंने थोड़ा देखा कि इसको कैसे किया जा सकता है, तो मैंने एक कंडक्टर लिया। प्रूफ की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो मिनट समझना है आपने। एक कंडक्टर ले लिया, बैटरी ऑन कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट। लेकिन ड्रिफ्ट से पहले जैसे ही आपने बैटरी ऑन की थी, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन रेस्ट पे था। इमेजिन करो, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स लगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कितनी की हुई ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको लीकवर्ड्स का चैप्टर याद है, तो जब एक बॉल को पानी में ड्रॉप करते थे, बॉल डूबती जाती थी, तो पहले इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट होती थी, वेलोसिटी बढ़ती 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 कॉन्स्टेंट हो जाती थी। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते थे? टर्मिनल वेलोसिटी। और ये भी आपको पता है कि अगर कोई बॉल या कोई भी बॉडी अगर पानी के अंदर जाएगी, तो पानी उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा। इलेक्ट्रॉन के साथ भी तो सेम है, कंडक्टर के मटेरियल के अंदर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, हवा में नहीं जा रहा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे चला बाय सम अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ QE, तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी, ये रही फ्रिक्शनल फोर्स। वो फ्रिक्शनल फोर्स इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। ये हमेशा ऐसा होता है, अपोजिंग फोर्स हमेशा वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होती है। और मटेरियल का कॉन्स्टेंट के लग गया। शुरू में क्या होता है, ये ज़्यादा होती है, ये बड़ी, ये छोटी होती है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट करता है तो वेलोसिटी बढ़ाता है, वेलोसिटी बढ़ती है तो ये फैक्टर बढ़ जाता है। कुछ देर के बाद ये और ये फोर्स बराबर हो जाती है और कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस चैप्टर में टर्मिनल नहीं है, इस चैप्टर में ड्रिफ्ट है। तो शुरू शुरू का प्रोसेस आपकी बुक्स में गिवन नहीं है, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाहता। वो शुरू ही ड्रिफ्ट से करता है, उसके पहले की कहानी एक्सप्लेन नहीं करता। पहले की कहानी ये है, ये एक्सेलेरेशन है, नेट फोर्स बाय मास। थोड़ी देर के बाद इट विल अटेन अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी ड्रिफ्ट हो जाएगी। इक्वेट कर लें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसके इक्वल आएगी। ये जो कांस्टेंट, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू का मतलब मोबिलिटी, मोबिलिटी का एक्सप्रेशन ये है। आपकी बुक्स में सिर्फ ये गिवन है, तो आपने प्रूफ करना नहीं है। आप फॉर्मूले में रजिस्टर में एंट्री कर लें, मोबिलिटी म्यू इज वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट बाय ई। लेकिन अब एंड में ये बता दूं, मोबिलिटी होती क्या है? मोबिलिटी है कितनी आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव कर सकता है, वो मोबिलिटी है। अगर वो आसानी से मूव नहीं कर पा रहा तो मोबिलिटी कम है, आसानी से मूव कर पा रहा है मोबिलिटी ज़्यादा है। मतलब मैंने अगर हल्का सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और ड्रिफ्ट स्पीड बहुत ज़्यादा आ गई, तो बहुत मोबाइल है, क्योंकि म्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब देखो ना, कम इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी तेज़ मूव कर रहा है, मोबिलिटी हाई है। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला याद रखेंगे, ये आ सकता है वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट डिवाइडेड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड।